तो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी का क्या लग रहा है? वो तो डमी कैंडिडेट है, उसका कोई दम नहीं है। राजा राज नहीं करेगा, क्या भिखारी राज करेगा? तो अखिलेश यादव ऐसे क्यों बयान देते, उन्हें डर नहीं लगता है? दिमाग खराब हो गया है। आपको नहीं लग रहा सपा आएगी? कौन कहो ना, अरे भूतों ना भविष्य तो समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, सनराइज न्यूज की टीम इस वक्त बाबागंज विधानसभा में मौजूद है। यहाँ के तमाम काफी सारे सियासी समीकरण को जानने के लिए यहाँ की जनता से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनावों में किन मुद्दों पर वोट होने जा रहा है और उसके बाद के जो परिणाम आएंगे वो 10 मार्च को नतीजे साफ तौर पर निकल करके आएंगे। तमाम काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सुशील शुक्ला। सुशील जी, किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं इस बार? विकास के मुद्दों पर। विकास के मुद्दों पर वोट करेंगे, कैसे, क्या क्या विकास में आपको चीज़ें चाहिए, विकास में क्या क्या पैमाने मानते हो? वो प्राथमिकता गांव का विकास होता है, गांव के विकास से राजा भैया हमारे गांव का विकास करते हैं और नाली, खड़ंजा, बिजली का ट्रांसफार्मर, कभी कोई ज़रूरत, शादी ब्याह, लड़कियों की शादी हुई, शादी ब्याह राजा भैया खुद करवाते हैं। जो गरीब लोग हैं, वो बीमार होते हैं, बीमारी में उनकी दवा करवाते हैं, उनके अच्छे हॉस्पिटल में ले जा करके अपने पैसे से, अपने निजी धन से उनका इलाज करवाते हैं। तो इन सब मुद्दों पे राजा भैया चुनाव लड़ रहे हैं और राजा भैया के साथ जनता है। ठीक है दादा, इस बार सुनने में आया था कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहे थे एक तरीके से, लेकिन कैंडिडेट उन्होंने यहाँ भी उतारा और भाजपा ने भी उतारा है, तो उससे कुछ समीकरण बिगड़ेंगे? ये बात आप कह रहे हो, ये मीडिया की बात है, ऐसा कहीं अधिकृत नहीं है कि राजा भैया भाजपा को समर्थन करेंगे, लेकिन राजा भैया जनपद प्रतापगढ़ के एक जनप्रिय नेता हैं और अगर आप हमसे पूछो तो हम तो ये कहना चाहेंगे, पहले तो हम कल अनुप्रिया जी का यहाँ प्रोग्राम लग रहा है उसका किसान संगठन विरोध करेगा। अच्छा, पहली बात इसलिए कि 13 महीने वो हमको बॉर्डर पर बैठाए और इसके बाद हमारी उसी बात को उन्होंने माना, इसका मतलब किसान सही थे और सरकार गलत थी, तो उस 13 महीने का दंड उनको मिलेगा। रही बात जनपद में, हमारे बहुत आवश्यक है राजा भैया का रहना और वो एक ऐसे वन मैन पावरफुल हैं जनपद प्रतापगढ़ के जिसकी आवश्यकता पूरे उत्तर प्रदेश को है और जनसत्ता धीरे धीरे करके इसी तरह पनपेगी और पूरे प्रदेश में क्या देश में शासन करेगी आने वाले दिन में। आप मुख्य रूप से आप क्या करते, किसान हैं आप? जी हाँ, मैं किसान हूँ। अच्छा, लगभग कितने बीघे खेती है? जनपद का जिला अध्यक्ष भी हूँ टिकैत गुट से। अच्छा जी हाँ, तो हमारा संगठन कल के दिन पुरजोर विरोध करेगा अनुप्रिया जी की रैली का। ठीक है, तो आप किसान आंदोलन में बैठे थे, शामिल हुए थे? जी हाँ, पूरे 13 महीने बैठे? जी नहीं, 13 महीने नहीं, आता जाता रहा, घर भी देखना है, किसानी भी देखनी है, तो लेकिन यह है कि आंदोलन चला और अंत में इस सरकार को झुकाया। तो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी का क्या लग रहा है? वो तो डमी कैंडिडेट है, उसका कोई दम नहीं है। अच्छा। इसलिए कि जिसने 5 साल मेहनत किया उसका टिकट काटा गया, नए कैंडिडेट को लाया गया, ये बड़े दुख की बात है और बीजेपी भी एक ऐसा काम कर रही है तुष्टीकरण का। तो आप लोग वोट जनसत्ता दल को देख करके देते हो, राजा भैया का चेहरा देख करके देते हो या आपने प्रत्याशी का चेहरा देख करके देते हो? प्रत्याशी का और राजा भैया काम पे, विकास के नाम पे। राजा भैया ने क्या क्या विकास काम करवाया? विकास का काम हमारे यहाँ हर काम विकास करवाया है, खड़िंजा है, नाली है, इलाज है, समय से पानी बोसा, बिजली बोसा, सब चीज सुचारू रूप से चल रही है। सभी गांवों तक रोडें बनी हुई हैं? बिल्कुल, रोडें बनी हुई हैं पूरे गांव में। देखिए 60 में समझ लीजिए आप, जैसे सर्वमान्य नेता, विश्वमान्य नेता मोदी जी हैं, उसी तरह प्रतापगढ़ जनपद उत्तर प्रदेश के एकदम सर्वमान्य नेता राजा भैया हैं। उत्तर प्रदेश के पूरे राजा भैया, उत्तर प्रदेश के की सिर्फ प्रतापगढ़ के? सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं राजा भैया, ये आप समझ लीजिए। तो आपके प्रतापगढ़ में राजा भैया ज़्यादा बड़े नेता हैं या प्रमोद तिवारी? देखिए, हम राजा भैया और प्रमोद तिवारी के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, दोनों अपने अपने क्षेत्र के लिए बाहुबली नेता हैं और दोनों नेता बहुत सर्वमान्य नेता हैं, इन दोनों नेताओं की हम बड़ी इज्जत करते हैं। तो आपकी व्यक्तिगत पसंद में अगर एक नेता की बात करी जाए तो कौन है? व्यक्तिगत पसंद की, वो रामपुर विधानसभा से, हम बाबागंज विधानसभा से, हमारी विधानसभा में राजा भैया सर्वमान्य है। अच्छा, आप जैसे युवा हैं तो युवाओं के लिए राजा भैया ने कुछ यहाँ पे किया है? कुछ युवाओं के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए हैं राजा भैया ने वहाँ पर। अभी देख ही लीजिए, यहाँ पर आपके देशराज का इंदारा है,
वहाँ पर ग्राउंड पर हम लोग सारे युवाएं आर्मी की तैयारी करते हैं, फौज की तैयारी करते हैं, वहाँ पर जिम की व्यवस्था की है, वॉलीबॉल फुटबॉल तमाम प्रकार की खेल की सुविधाएं की हैं राजा भैया जी। अच्छा कई एक बात और आती है, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर होता है कि जब से भाजपा की सरकार आई है तो ये हिंदू मुस्लिम वाला कैटेगरी ज़्यादा हो गई है, यहाँ भी ऐसा कुछ असर देखने को मिलता है? नहीं नहीं, हमको ये नहीं लगता कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से हिंदू मुस्लिम कैटेगरी किया गया है। वो योगी जी हमारे जो प्रदेश में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, वो सर्वमान्य यशस्वी और सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री कोई मिला ही नहीं। तो योगी जी आपकी पसंद है और यहाँ से फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को क्यों नहीं जिता रहे हो? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर पहले बड़े भाई साहब ने हमारे बताया कि जिला अध्यक्ष जी ने, दिनेश तिवारी जी ने ऐसे प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दे दिया है कि जो आज तक कभी क्षेत्र में आया ही नहीं, केशव पासी जी अभी संतुष्ट है, संगठन के कार्यकर्ता संतुष्ट है, हम भी संगठन के कार्यकर्ता हैं। 2013 से लेकर आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहा और सबसे ज़्यादा हमको ये ठेस पहुंचा कि जो क्षेत्र में हमारे 12 प्रत्याशी ऐसे थे जो उन्होंने मेहनत किया था अपने लिए, खुद के लिए, प्रत्याशी बनने के लिए, वहाँ पर प्रदेश में और देश के प्रदेश कार्यालय राष्ट्रीय कार्यालय पर उन्होंने अपना एप्लीकेशन भेजा था, लेकिन इसका उनका नाम हट के ये बीच में आकर कूद गए। इस वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी को त्याग करके अपनी क्षेत्रीय पार्टी राजा भैया की बीड़ा उठाया हूँ। तो ये आपको लगता है कि राजा भैया कहीं ना कहीं समर्थन देते हैं भाजपा को, जैसी बातें चलती हैं? देखिए वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते, जो करेंगे हम राजा भैया के साथ हैं, अब राजा भैया के साथ हैं जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। आशुतोष जी, किसको दे रहे हैं साइकिल? तो यहाँ से रफ्तार भरेगी नहीं, या फिर कमल खिलेगा, या फिर आपकी जनसत्ता दल है वो प्रदेश, प्रदेश में कमल है, हमारे यहाँ सिर्फ जनसत्ता है। अच्छा, प्रदेश में आप किसको पसंद करते हो? मुख्यमंत्री योगी जी को, योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हो? वही रहेंगे, वही बनेंगे। कुछ बड़ी चीजें क्यों? उन्हें का रहना चाहिए, दोनों चीज। अच्छा, एक यहाँ पे कई सारे लोग खेती किसानी वाले जुड़े हुए हैं, आप उससे खेती किसानी से मतलब रखते हो? हाँ बिल्कुल रखते हैं। आपके यहाँ पे एक समस्या और होगी, हाँ, जो जानवरों की समस्या है, वो फसल साफ कर जाती है। समस्या तो है लेकिन नहीं है उसे जब से ऐसा समस्या, लेकिन ऐसा कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है उसका, वो हमारी समस्या है। समस्या मेरी इसलिए है क्योंकि हमारे जानवर हैं भाई, हमारे जानवर हैं, समस्या हमारी है। ठीक है, अगर हम उनको छोड़ते हैं क्योंकि हमारे किसान भाई के जानवर हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, तो ये समस्या कैसे हल होगी? क्यों भैया? ये समस्या इस तरह से हल होगी कि लोग अपने अपने जानवर अपने खूंटे पे बांधें, थोड़ा बहुत चारा भूसा जो हो दें, ऐसे हल हो जाएगी। अब अगर लोग ये ना सुने और फिर भी सरकार गवर्नमेंट बदलने से समस्या तो हल नहीं, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट रहे। एक बात उठती है, तमाम लोग कहते हैं कि अगर गौशालाएं सही से चल जाएं तो ये समस्या हल हो सकती है। गौशाला में हल हो सकती है लेकिन इतना अधिक बजट ऊपर से नहीं, ऊपर से बजट है तो बीच में हरामखोरी हो जाती है, धन खाद लिया जाता है तो कहाँ से उसका काम चलेगा। अच्छा, तो आप यहीं मूलता इसी यहीं के रहने वाले बाबागंज के? बाबागंज के। प्रतापगढ़ की तो पूरी समझ रखते ही होंगे? नहीं, पूरे प्रतापगढ़ की समझ नहीं, पूरे यूपी की है, हर जगह हम ही आप जानवर छोड़ दिए हैं। समस्या यही है कि पहले हम आप बध करवाते थे, बध नहीं चल रहा है बस। अच्छा, ये तो एक खेती किसानी की समस्या हो गई। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पे दो नाम बड़े उठते हैं, राजा भैया और उसी के साथ एक और नाम उठता है प्रमोद तिवारी का। दोनों में से कौन सा नेता बढ़िया लगता है? दोनों टापो टाप नेता है, एकदम फिट है, पूरे इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। दोनों अलग अलग पटरी पे हैं, दोनों अलग अलग पार्टियों से हैं, लेकिन आप दोनों को समानता दिए? पार्टी पार्टी में जरूर हैं, लेकिन पास में होने के नाते सामाजिकता में एक हो जाएंगे वो। अच्छा, लोग कहते हैं कि इन दोनों की तो बनती नहीं है, पटरी नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो बन जाएगी, हम लोग बनवाएंगे उसको। अच्छा, आप लोग बनवाएंगे? वोट दे रहे हैं तो बिल्कुल बनवाएंगे। अच्छा, क्या लगता है भैया, बनवाओगे? हाँ हाँ, बन जाएगी, ऐसी कोई बात। प्रमोद तिवारी का तो अपना अलग पार्टी है, राजा भैया की अलग पार्टी है, दोनों चाहते हैं कि प्रतापगढ़ उनके उसमें हो। कांग्रेस नहीं, उन्हीं के नाम पे जिंदा है कांग्रेस। अगर उनको एक नाम पे जिंदा चेहरा दिया जाए तो कांग्रेस आज कहाँ होती, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा दिया नहीं जाता। कांग्रेस बढ़िया लगती है? विकास करते हैं वो अपने। कांग्रेस बढ़िया लगती है? नहीं, योगी के आगे तो कोई नहीं है भाई, मुख्यमंत्री योगी को बनना चाहिए। अच्छा, कौन कौन से उनके बढ़िया काम लगे आप? अरे उनके सारे काम है, इतना विकास हो रहा है, हर जगह रोड बन रही है, नाली, खड़ंजा। पहली बात जातिवाद उतना नहीं जितना योगी अगर एक बार फिर आ जाएंगे जातिवाद खत्म हो जाएगा वैसे भी। अच्छा, तुष्टिकरण की राजनीति तुरंत खत्म हो जाएगी।
दोबारा अगर उनको चांस दे देते हैं। लेकिन एक आरोप लगा समाजवादी पार्टी भी लगवा रही हो, तमाम काफी सारे लोग हैं, कि जिस तरह से पहले होता था, कांग्रेस कहती है या तमाम विपक्षी दल कहते हैं कि पहले अखिलेश यादव की सरकार में यादव और ये सारे लोग लिए जाते थे, उसके बाद जब ये सरकार आई तो इसमें भी ऐसे आरोप लगे कि कई जगहों पर देखा गया कि जो पीसीएस के रिजल्ट निकलते हैं उसमें कई सारे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है, ये गलत है। जो भी रिजल्ट आ रहे हैं सब में ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण हो रहे हैं, केवल ठाकुर हो रहे हैं, केवल यादव हो रहे हैं, अच्छा, मुस्लिम हो रहे हैं। एक और समस्या इस पे आती है कि पेपर लीक की बड़ी समस्या है, युवा पेपर लीक, ऐसा कुछ नहीं है, इनको बदनाम किया जाता। अभी पीछे यूपी टेट का हुआ था, जब गवर्नमेंट जान गई तो कैंसिल कर दी, और अगली गवर्नमेंट जैसे अखिलेश गवर्नमेंट बनती थी वो पेपर लीक होता था उसको नहीं मानते थे, कम से कम ये मान तो रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, तो उस पर कार्यवाही कैसे होगी? कार्यवाही कर रहे हैं, कह तो रहे हैं कि तुम्हारी सात पुष्ट से रिकवरी होगी जो पेपर आउट कराएगा, तो इससे कम से कम बंद तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उस पे जो बड़ी मछलियां होती हैं वो कभी नहीं फंसती हैं, छोटे छोटे लोगों पर कार्यवाही कर दी जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। क्या लगता है भैया आपको, प्रताप क्या होने वाला है बाबागंज में इस बार? बाबागंज में राजा भैया जय हैं, राजा भैया जीतेंगे, राजा भैया जीतेंगे, राजा भैया तो जीतेंगे, वो एक अलग बात है। राजा भैया की जगह उनका प्रत्याशी है, उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? हम राजा भैया को जानते हैं, हम राजा भैया समर्थक हैं, राजा भैया को जानते हैं। राजा भैया किसी को भी यहाँ उतार देंगे वो जीत जाएगा? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, अगर जैसे प्रत्याशी यहाँ राजा भैया ने उतारा और वो जीत गया, तो आपको जब कभी काम पड़ेगा तो आप प्रत्याशी जो वो भावी विधायक बन जाएगा तो उससे मिलने जाएंगे या सीधे राजा भैया से मुलाकात हो जाएगी? भैया जिसको उतारेंगे वो हमारे बीच का होगा, दो चार किलोमीटर, पाँच किलोमीटर, दस किलोमीटर के अंदर का, तो हम विधायक के पास भी जा सकते हैं। अगर विधायक नहीं सुनेगा तो हम उनके समर्थक हैं, वो हमारे लिए बैठे हैं, तो हम हमारा कोई दिक्कत नहीं। हम राजा भैया, राजा भैया से मुलाकात हुई है कभी? ये मान के चलिए कि महीने में कम से कम 10-12 मुलाकात तो हो ही जाती है, ऐसे ही निकलते हुए, निकलते बैठते, निकलते बैठते नहीं, जाकर के हुई है, उनके घर जाके जहाँ भी हो हम ढूंढ लेते हैं, समर्थक है ना, हम ढूंढ लेते हैं। अच्छा, आप सभी लोग मुझे लग रहा है समर्थक ही हैं। एक बात होती है कि राजा भैया थोड़ी गुंडागर्दी ज्यादा करते हैं, ये बात तमाम जगहों से जब हम बाहर निकलते हैं तो ये सुनने में आता है। जो गुंडा है उसके लिए गुंडे हैं, जो गुंडा नहीं उसके लिए वो बिल्कुल नॉर्मल, आप चले जाइए, आपसे अच्छे से बात करेंगे, बढ़िया। जो राजा, अब राजा तो ही है, राजा कैसे रहते हैं से आप जानते हैं अच्छे से। हाँ, तो राजा है वो, हम लोगों के राजा है। तो कौन कौन गुंडे, अभी तक कोई ऐसा किस्सा हुआ जिसमें गुंडे? कभी कोई गुंडा ही नहीं, आपके साथ नहीं, आप यहाँ रहते हो, कभी कोई किस्सा सुनाई दिया? नहीं, कोई किस्सा तो कोई नहीं सुनाई दिया, थोड़ा बहुत तो फिर घर गांव है, यहाँ बीच में होता ही रहता है, राजा यहाँ लड़ने नहीं आते हैं भैया। क्यों दादा, एक वक्त अखिलेश यादव से बड़ी मुलाकात होती थी राजा भैया की, अब अखिलेश यादव उल्टी बयानबाजी करते हैं? समय की बात होता है, अब हाँ समय की बात होता है, अखिलेश यादव ऐसा क्या समय बदल गया, क्या समस्या है उनके बुद्धि में, कोनो दिक्कत आई जो हुए ऐसा हो सकता है अखिलेश यादव की बुद्धि में? हाँ सोच होता है, वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहा हूँ, बोल रहते थे कभी जिनके दिल में बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह, तो आज स्थिति सपा की ये है, राजा भैया चलाते थे सपा को, चलाते थे, हमने बताया ना वो समर्थवान है, और आप पूछ रहे राजा भैया, तो राजा भैया समर्थवान है, राजा राज नहीं करेगा क्या भिखारी राज करेगा? उनकी क्षमता है, मना कर रहे हैं। नहीं तो अखिलेश यादव ऐसे क्यों बयान देते, उन्हें डर नहीं लगता है? दिमाग खराब हो गया है हम बताए तो सरकार जाने की स्थिति में उनको ये पता लग चुका है कि सपा जो है सफा हो गई। आपको नहीं लग रहा सपा आएगी? कौन कहो ना, अरे भूतों ना भविष्य तो समाप्त हो जाएगी, क्षेत्रीय पार्टियां रही नहीं जाएंगी। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कहते हैं कि मुलायम सिंह की बात अखिलेश नहीं मानते हैं, मुलायम सिंह से राजा भैया के अच्छे संबंध हैं, वो अभी भी चाहते हैं कि राजा भैया उनका सम्मान करते हैं, वो राजा भैया की बात मानते हैं, फिर आखिर वो समस्या कहाँ से पैदा हो गई जो वो मुलायम सिंह की बात नहीं मान रहे? अब जब अपने पिता के नहीं भय हुए, सही है ना कि अपने पिता का नहीं कहका हो चुका था। अच्छा तो आपको लगता है ये रिश्ते फिर से अच्छे बनेंगे? कभो ना बनी, पिता जब पिता और बेटा में इतना वो हो जाए तो ना बन पाई। अच्छा राजा भैया की किस पार्टी से अच्छे संबंध है फिलहाल में? राजा भैया से संबंध सबसे है, खुद अपने अपने लेकिन खुद पार्टी है। नहीं तो पार्टी तो है, ये बात सही है, पार्टी के रूप में मौजूद भी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन पार्टियों के संबंध भी होते हैं दूसरी पार्टियों से। यहाँ के लोग ये तो सही है कि ज्यादा परसेंट योगी का पसंद कर थी, योगी का ज्यादा पसंद कर थी। हमारे यहाँ है ब्राह्मण राजा भैया के साथ कम से कम 90% है,
ये समय पे। अच्छा, आप लोग जैसे कह रहे हो योगी पसंद है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सब सामने कह रहे हो कि राजा भैया को हम जिता देंगे और उसके बाद वोट डाल दे कमल के फूल में? ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक समस्या और यहाँ से आती है, कहते हैं कि वोट उनके थोड़े दबाव में लोग डालते हैं राजा भैया के, सच है ये? नहीं, वो दिल के राजा, वो दिल पर राज करने वाले हैं लोगों के। अच्छा, इसलिए। क्या करते हैं आप जी? क्या करते? दुकानदार हैं, छोटे से दुकानदार, फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं। अच्छा, दुकानदार हैं। राजा भैया से मिले कभी? मुलाकात हुई कई बार। कितने दफे? 3-4 बार कम से कम। आमने सामने या निकलते बैठते? नहीं नहीं, आमने सामने। कभी कोई समस्या हुई आपकी? एक आध जो आपने कही हो उनको? एक आध दो थी, व्यक्तिगत समस्या थी, उसका समाधान उन्होंने किया है। उसका समाधान किया है जी। क्या लगता है क्षेत्र में जब लोग बोलते हैं, और ऐसा भी कभी होता है कि लोग थोड़े दबाव में आकर के काम करते हो? नहीं नहीं, वहाँ सबसे बड़ी समस्या जो होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो जैसे पानी का निकास है, मेड़ा डांडी है, चक्रोड है, जो आपसी विवाद होते हैं, जिस पे लोग छोटे से मुकदमे में अपना सब कुछ, समय, धन सब गंवाते हैं। तो राजा भैया का एक ये था कि वहाँ के लोकल लोगों का, जो बूढ़े बुजुर्ग हों, उनको बुला के एक पंचायत की जाए, पंचायत करके कोर्ट के बाहर उसको समाधान करते थे। उसमें निर्णय जो होता था उस गाँव के बूढ़े बुजुर्ग लोग किया करते थे, उनका एक प्रतिनिधि वहाँ पर जाता था। और इससे कई समस्याएँ सॉल्व हुई हैं, जिसको लोग 20 साल से लड़ झगड़ रहे थे, मुकदमेबाजी हो रही थी, लोग तबाह हो गए थे। लेकिन ऐसे कई केसेज हुए हैं हर गांव में लगभग, कि जो समस्या अपने आप साल्व हुई है। अच्छा। निर्बल कन्याओं का विवाह, जो निर्धन कन्याएं थी उनका विवाह है, आंखों के ऑपरेशन, मतलब कुल मिला के काम बहुत किए राजा भैया ने। हाँ, व्यक्तिगत। क्यों भैया, क्या लग रहा है कि जब वोट डाल देते हैं लोग, उसके बाद कहते हैं अगर राजा भैया से कोई काम करवाने जाता है तो काम तो उसका हो जाता है, फिर बाद में वो वसूलवाते बहुत अलग तरीके से हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, वो कुछ नहीं, अपने गरीब जनता के लिए वो बिल्कुल एक नंबर काम कर रहे हैं, और हम लोग उनके साथ हैं। आज से नहीं, वो 30 साल से अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने किया। अच्छा, आप जैसे युवाओं के लिए उन्होंने कुछ करा? अभी युवाएँ तो उनके साथ हमेशा हैं, अभी भी कोई भी काम हो हम लोग उनके यहाँ जाते हैं तो तुरंत पूरा काम है, पूरा खेल अपना होता है, खेल का। अच्छा, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ का युवाओं के लिए कुछ कामकाज या कुछ फैक्ट्रियाँ लग जाएं, जिससे वो काम यहीं करें, कहीं बाहर ना निकलें, पलायन ना हो, यहीं प्रतापगढ़ के अंदर ही रह के अपने घर वालों के बीच रह के काम करें। अब ये आगे चल के उनके पास हम लोग मुद्दा उठाएंगे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आगे चल के ये होगा, क्योंकि आपके यहाँ से कई लोग पलायन कर जाते हैं, दिल्ली नोएडा निकल जाते हैं, तो ऐसी कुछ काम होना चाहिए जो यहाँ पे। हाँ, अब आगे चल के इस चुनाव के बाद हम लोग इस टॉपिक पर मुद्दा उठाएंगे। जाने के बाद नहीं, चुनाव के बाद, जीताना जीत तो उनकी निश्चित है, आज से नहीं, वो चाहे जो आ जाए, लेकिन चुनाव के बाद इस टॉपिक पर हम लोग जो आप बताए हैं, ठीक है। हाँ, क्या लग रहा है, जीत तो ये लोग कह रहे हैं निश्चित ही है? जीत निश्चित है। अच्छा, जीत निश्चित है। और डेढ़ लाख माननीय राजा भैया इस बार 1.5 लाख पार, और विनोद सरोज बाबागंज 1 लाख पार। अच्छा, ये निश्चित है, इसमें ये बढ़ सक कोई है ही नहीं है, 1.5 लाख पार वो 1 लाख पार, ये चूंकि इसका एक विजन होता है कि राजा भैया किसी एक जात के नेता नहीं है। राजा भैया को हर जाति, हर धर्म के लोग अपना नेता मानते हैं, और राजा भैया को अपना परिवार मानते हैं, तो परिवार की कोई जात नहीं होती है, तो हर परिवार के लोग राजा भैया को अपना नेता मानते हैं, सबके सुख दुख में राजा भैया हमेशा मौजूद रहते हैं। अच्छा, मुस्लिम वोट राजा भैया को यहाँ से मिलता है? हाँ, मुस्लिम वोट मिलता है, मुस्लिम वोट आप समझिए 70% मुस्लिम वोट आपके कुंडा बाबागंज में राजा भैया को मिल रहा है, यादव वोट आपके मिल रहा है राजा भैया को, हर जाति वर्ग का वोट राजा भैया को मिल रहा है। जातवाद वोटिंग नहीं होती, जहाँ भी जातवाद की वोटिंग नहीं, यहाँ विकास की वोटिंग है, और राजा भैया के पर्सनल व्यवहार, पर्सनल व्यक्तित्व की वोटिंग है। ठीक है जी। अच्छा, क्या लगता है भैया, क्यों, कौन सा वोट छिटक जाता है जो वहाँ नहीं पहुँचता है, किस जात का वोट? सर, लगभग सभी जात वोट पड़ते हैं, ऐसे कोई वोट नहीं है। प्रतापगढ़ में अगर बड़ी बड़ी जातियों की बात करें सबसे ज्यादा संख्या में, तो कौन कौन सी जातियाँ हैं? अधिकतर ब्राह्मण हैं, यादव हैं, और मुस्लिम भी है, थोड़ा सरोज कास्ट की भी है। तो मुस्लिम वोट चला जाता है जनसत्ता में? पड़ता है, जाता है, बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है, हर समुदाय के भाई, समुदाय के वोट पड़ते हैं। सपा, ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम वोट सपा में ट्रांसफर हो जाता है? नहीं, यहाँ पर नहीं है सर। सर, यहाँ पर जातिवाद के नाम कोई चीज़ नहीं है। जातिवाद उत्तर प्रदेश के बाहर है, ये उत्तर प्रदेश के बाहर कुंडा बाबागंज है, यहाँ पे जाति विशेष पे सपा का कोई वोट नहीं है, यहाँ पे यादव, मुसलमान, मौर्य, पाल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जितनी भी जातियाँ हैं, SC, सब राजा भैया को वोट करती हैं।
यहाँ पे कोई जाति कोई बीजेपी नहीं, कोई उन्हें आप बताइए 20,000 वोट हमेशा 15,000 वोट बीजेपी पाती है। इसके पहले जब लहर थी तो लहर में बीजेपी को 26,000 वोट कुंडा में मिला था, आप बताइए जब लहर थी तब 26,000 मिला था, सपा का कोई वोट ही यहाँ नहीं है। मतलब कुल मिला के राजा भैया के आगे कोई नहीं टिकता, राजा भैया और हमारे प्रमोद तिवारी बगल में रामपुर विधानसभा है, प्रमोद तिवारी भी सबके दुख सुख में खड़े रहते हैं। प्रमोद तिवारी ने इतिहास रचा लगातार एक ही पार्टी से, कांग्रेस का जब कोई विधायक ना हो तो प्रमोद तिवारी जरूर रहेंगे, कांग्रेस का कोई ना हो वो रहेंगे, हमेशा रहेंगे। मोना दीदी फिर चुनाव जीतने जा रही हैं, लोग ये घेरेबंदी से नहीं होता है कि घेराबंदी कर लोगे और हारन बजा दोगे, फर्जी अफवाहें फैला दोगे। प्रमोद तिवारी भी जन जन के दिल में रहते हैं, जन जन के दिल में। आप लोग को मतलब प्रमोद तिवारी से है, कांग्रेस से भी कोई मतलब है? नहीं, कांग्रेस नहीं, प्रमोद तिवारी, राजा भैया, मोना दीदी, गोपाल भैया, विनोद सरोज, इनसे मतलब है, यहाँ किसी की कोई सत्ता नहीं है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमको राजा भैया से। राजा भैया, आप इसके पहले जब अभी भाई लोगों से बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि अखिलेश यादव राजा भैया को भूल गए हैं। अखिलेश यादव राजा भैया के नाम से जाने जाते थे 2017 में स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी के, तो तीसरे स्थान पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम लिखा था स्टार प्रचारक में समाजवादी पार्टी के, उसमें हमारे राजा भैया स्टार प्रचारक में थे। अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे, प्रतापगढ़ में आए बोले कौन है राजा भैया, तो अखिलेश यादव को ये समझ लेना चाहिए, बौखलाए हुए हैं वो, एकदम से डिस्टर्ब हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं क्योंकि राजा भैया हमेशा जनता को, हमारी जनता को कोरोना के वैक्सीन लगवाने से भड़काते थे और रात में 10 बजे गए वैक्सीन लगवा कर फोटो ट्वीट कर रहे हैं कि मैंने वैक्सीन लगवा ली, पहले तो आ गए हैं एकदम से बीजेपी की वैक्सीन है तो फिर क्यों वैक्सीन लगवाए। उसके बाद राजा भैया को ये जनप्रिय लोकप्रिय नेता हमारे पूरे समाज में बाबागंज विधानसभा में मार रहे हैं, अब मुस्लिम भी मार रहे हैं, यादव भी मार रहे हैं, चूंकि राजा भैया हर साल लगभग 251 हर साल शादियां कराते हैं और उसमें गरीबों में कम से कम 50 से 100 शादियां यादव वर्ग, 100 शादियाँ मुस्लिम वर्ग, हर समुदाय के लोग रहते हैं, जो राजा भैया अपने निजी पैसे से एक पैसा ना घर वाले को लगता है, ना बारात वालों को लगता है, ना लड़की वालों को लगता है, वो पूरा वाहन राजा भैया करते हैं, आँख के ऑपरेशन कराते हैं वो राजा भैया करते हैं, कैंप लगवा के करते हैं, गाँव गाँव प्रचार करा के करते हैं। जिस प्रकार आज राजा भैया खुद के लिए वोट मांगने के लिए गाड़ी लेकर, स्कॉर्पियो लेकर, मतलब कई प्रकार से वाहन लेकर टहल रहे हैं, उस तरह कैंप लगवाते हैं राजा भैया चारों ब्लॉक में। तो 3 दिन पहले एक ढोलक लेकर 4-व्हीलर लेकर हर गांव चौराहा पे, हर गांव में हमारे राजा भैया जी के समर्थक हम लोग जाते हैं और वहाँ के आदमी को जागरूक करके उनसे पूछ कर उनका नाम लेकर जाते हैं और वहीं पर ऑपरेशन उनकी आंख खुलवाने का काम हम लोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर माने तो बाबागंज से फिर कौन किसकी सीट निकल रही है, अगर एक सुर में बात करें? बाबागंज से तो निश्चित है, बाबागंज से निश्चित है, हम लोग प्रचार कर रहे हैं जनसत्ता का, माननीय राजा भैया का प्रचार कर रहे हैं कि जीत का आंकड़ा जो पिछले बार हमारा जीत का आंकड़ा जो 60,000 था पिछले बार, वो अब की 1,00,000 पार हो जाए, इस वजह से हम लोग जनसत्ता का प्रचार कर रहे हैं। 1,00,000 पार, 50,000 और ज्यादा, और अरे ज्यादा नहीं, 1,50,000 पार, बाबागंज 1,00,000 पार। राजा भैया मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप कितनी देर से यहाँ खड़े हो, अब भी आपको पूछना है राजा भैया के बारे में? मैं चाह रहा था कि अगर एक सुर में ये बात आ जाए। 4 घंटे से इस अंधेरे में लोग राजा भैया का इंतजार कर रहे हैं, अब भी आप सवाल कर रहे हो? पीएम का प्रोग्राम होता तब भी लोग चले जाते, लेकिन इतनी देर तक उनका इंतजार करते रहे, लोग उनको देखना चाहते हैं। 3 बजे से खड़े हैं सब, तो अब तो आपको जवाब मिल गया होगा कि जिस सर्वमान्य नेता का इंतजार लोग इतनी देर तक कर सकते हैं उसके बारे में कौन सी चीज पूछना है आपको? ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर बाबागंज से माने तो एक सुर में अगर बता दीजिए बाबागंज से कौन सी फिर पार्टी?
जाहिर तौर से देखना होगा 27 फरवरी को यहाँ मतदान है, 10 मार्च को नतीजे आने हैं। प्रतापगढ़ की सीट जो गहमा गहमी की सीट रहती है, राजा भैया का पूरा यहाँ पे दबदबा रहता है। उसी के साथ देखना होगा कि 10 मार्च को नतीजे आने के बाद कौन इस गद्दी पर बैठ करके विधानसभा तक का सफर तय करता है। कैमरा मैन अमित कुमार के साथ उज्ज्वल मिश्रा।